हाँ जी ये जो कृष्ण का है जो पुरानी दुनिया को लात मार रहा है कृष्ण ये हम अपने जैसे दरवाजे पर लगा सकते हैं क्या कहीं भी लगा नहीं उससे क्या है कि बाहर वालों को ये रहेगा कि हाँ इसलिए विश्वविद्यालय के बाहर वाले समझेंगे हाँ इनके दरवाजे में ही कृष्ण आ रहे हैं तो अच्छी बात है इससे आएंगे तो भी हाँ और क्या है हाँ अब तो लगाना ही बंद कर दिया क्योंकि समझाए नहीं सकते हैं और आप तो बाबा गीता खंड के जो बताते हैं कौन उसमें बड़ा जोर लग रहा है और मुरली पे कम है और फिर भी वो कौन से सभी आगे दुनिया में इतने इतने धर्म संप्रदाय भारत में खड़े हो गए शाखाएं प्रशाखाएं खड़ी हो गई सबने गीता को मुख्य माना या नहीं माना और यज्ञ में भी जब शुरुआत में सत्संग चला तो वही संस्कृत की गीता अर्थ करके बताते थे जो आदि में सो अंत में भी होना है जितने भी धर्म संप्रदाय हुए सबने अपने अपने मत के अनुसार गीता की टीका की गीता की श्लोकों की व्याख्या की उनके मत मतांतर तो झूठे हैं सर्वव्यापी के ज्ञान के ऊपर आधारित हैं अथवा कोई कोई नहीं भी है जैसे कि माध्वाचार्य उन्होंने स्पष्ट किया है कि आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक अलग है आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती सदाकाल के लिए तो हो ही नहीं सकती तो सबने अपने अपने तरीके से गीता की टीकाएं की और गीता संसार का सबसे पुराना शास्त्र है या बाद में लिखा हुआ है सबसे पुरानी है गीता तो ओल्ड इज गोल्ड होता है हर चीज दुनिया की पहले पहले सतो प्रधान होती है या रजोतमो होती है तो गीता भी सतो प्रधान थी पहले इसमें कृष्ण का नाम नहीं डाला गया था बाद में कृष्ण का नाम डाला गया जैसे कि भगवान बाप जब आते हैं 5000 वर्ष की जब शूटिंग होती है तो सच्ची गीता में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा बाबा पिताश्री का नाम डाल करके
उसे झूठा साबित कर देते हैं। ऐसे ही दुनिया में भी पहले गीता अनीश्वरवादी रचना थी, कोई साकार ईश्वर नहीं था, निराकारवादी रचना थी। बाद में इसमें कृष्ण का नाम थोप दिया गया। तो गीता ही झूठी हो गई, अर्थों का अनर्थ हो गया। अभी अंत में दुनिया वाले भी तब मानेंगे जब संस्कृत वाले गीता के भी अर्थ ईश्वरीय ज्ञान के अनुकूल क्लियर हो जावे। इसलिए ज्ञान यज्ञ के बाद और ज्ञान यज्ञ के आदि में भी गीता का बोलबाला होना जरूरी है। अंत में इसी बात पर विजय होगी कि गीता का भगवान कौन है और वो भगवान ही आकर के झूठी गीता को कैसे सच्ची गीता बनाते हैं। और हर जगह लागू तो नहीं होता क्या सच्ची गीता के पॉइंट है? गीता पास ना वही जाते हैं तो हर जगह सच्ची गीता खंड के पॉइंट हर जगह लागू नहीं होते। वो तो गीता पाठशालाएं भी नंबर वार हैं, मिनी मधुबन भी नंबर वार हैं, और पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट भी नंबर वार हैं। एक जैसे कैसे हो सकते? क्या नहीं होता पूरा जैसे जैसे लिखा है तो बाबा के समझ के अनुसार वही जो संतोष में लिखे हैं वही लिखे हैं। एक शब्द लिखने रिस्पॉन्सिबल तो धीरे धीरे होता है कि एकदम हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते ही होगा। क्योंकि ये संस्कृत तो ऐसी भाषा है जो दुनिया में कहीं भी प्रैक्टिकली नहीं बोली जाती, ये मरी हुई भाषा है। जिस भाषा में और जिस समय ये गीता लिखी गई थी वो बहुत पुरानी बात हो गई। अभी तो दुनिया ही बदल गई है। तो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और कोई ने पूछा है, बाबा ने कहा है तुम सब द्रौपदियां हो, नंबर वार हो कि एक जैसी हो? तो सबका चीरण होता है या कोई का होता है कोई का नहीं होता है?
है? ये दुनिया ऐसी तेजी से बदलती जा रही है, कि जिस दुनिया में ढेर के ढेर नंबरवार दुर्योधन दुशासन फैले हुए हैं, जो कन्याओं माताओं के चीर हरण करते हैं, कोशिश करते हैं कि नंगन हो जाएं, सारे संसार के सामने इनकी बेइज्जती हो जाए, ऐसा जब होता है तो इतनी अति हो जाती है कि जो दुर्योधन दुशासन की स्टेज से पुरुषार्थ करके पार होने लगे हैं, पंडा के बच्चे उंगलियों पर गिने जाने योग्य पांडव बन रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। ये साधु सन्यासी महात्माएं सब चुप्पी साध लेते हैं, जैसे कि फरुखाबाद में दो चार बार हो चुका, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के भ्रष्टाचारी ऑफिसरों ने कानून के बरखिलाफ ओरली ऑर्डर निकाल दिया कि इन इन कन्याओं का मेडिकल किया जाए, पुलिस वालों ने भी और प्रजावर्ग में जो दुर्योधन दुशासन को सपोर्ट करने वाले हैं उन्होंने भी ऐसी आवाज उठाई। हाँ मेडिकल किया जाए, जबकि सरकारी कानून है कि कोई भी कन्या माता का वर्जिनिटी का मेडिकल तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसकी स्वेच्छा न हो, तो भी ऑर्डर दे दिया। हाँ जी, हॉस्पिटल में ले जाया गया जबरियन, और डॉक्टर जैसे ही कमरे में पहुंचे उन्होंने अपना काम शुरू करना चाहा, और उन कन्याओं में इतनी जोर से कोई सोल का प्रवेश हुआ, जोर से चिल्लाई, पूरा हॉस्पिटल दहलने लगा, और वो डॉक्टर छोड़ के भाग गए। और कन्या की बेइज्जती होने से बच गई। दो एक कन्या ऐसी भी निकली कि जिनका मेडिकल टेस्ट हुआ और रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिला,
तो कैसे देव द्रौपदियों का चीरहरण होगा, कैसे भगवान उनके चीरहरण की बात को संसार के सामने उनकी लज्जा को बचाएगा। क्योंकि आज की दुनिया में तन से मन से दृष्टि से वृत्ति से कोई पावन भी है कि सब पतित हैं? पतित तो सब हैं। कोई की छुप जाती है, कोई की प्रत्यक्ष हो जाती है, लेकिन भगवान बाप तो सबकी लज्जा बचाता है। भगवान बाप सबका सुखदाई है। आगे चल करके वातावरण बहुत तीव्र गति से बिगड़ता जा रहा है और बिगड़ता जाएगा। मनुष्य पूरे बंदरों में सल हो जाएंगे। उस समय भी भारत की कन्याएं माताएं अपनी स्टेज पर अड़ रहेंगी और भगवान बाप उनको सहयोग देगा। अगर सोते समय सपने में विकारी संकल्प आता है और नींद खुलती है तो मन ग्लानि से भर जाता है, उसका क्या पाप कर्म बनेगा? वो तो स्वप्न की बात है। बाबा ने तो मुरली में बोला है, संकल्प में कुछ आता है तो उसका भी कोई पाप नहीं बनता है। ये स्वप्न और संकल्प पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों की रिपीटेशन है। संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची। तो शूटिंग पीरियड में ये संकल्पों से सिर्फ शूटिंग मात्र होती है, रिहर्सल होती है, और संकल्प भी मोस्टली ऐसे ही चलते हैं जो सारा दिन बुद्धि में बखेड़ा रहता है। कोई कोई स्वप्नों का कनेक्शन पूर्व जन्म से होता है, इसलिए भी स्वप्न आते हैं। तो स्वप्न के ऊपर और संकल्पों के ऊपर कंट्रोल तो करना है, लेकिन कोई दुष्ट संकल्प या स्वप्न आते हैं तो मन दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 63 जन्मों में माया तो सबको ऊपर नीचे करती है। कोई को कम करती है, कोई को ज्यादा करती है। माया तो अष्टमूर्तियों को अष्ट देवों को भी नहीं छोड़ती।
इसलिए पुरुषार्थ ऐसा करना है जो संकल्पों के ऊपर कंट्रोल कर सके। दुष्ट संकल्पों के ऊपर तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन निसंकल्पी बनना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अच्छा या बुरा कोई भी प्रकार का संकल्प ना आवे, एकदम आत्मा ज्योति बिंदु अपने को महसूस करे। प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो जाएंगे। जो निराकारी स्टेज बनाने में पूरे परफेक्ट हो जाएंगे, वो कोई सजा नहीं खावेंगे, बाकी को नंबरवार सजा खानी पड़ेगी। ये माया नाक से ही खास पकड़ करके क्यों गिराती है? नाक का काम क्या होता है? है सूंघा सांगी करना। कौन सा जानवर होता है जिसकी घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति बहुत तीखी होती है? कुत्ते की। कौन से धर्म के लोग हैं? जिनमें ये कुत्ते का गुण बहुत होता है। सूंघने मात्र से जान वातावरण को कैच कर लेते हैं। ये व्यभिचारी वृत्ति की निशानी है। कहते हैं पांडवों के साथ भी कुत्ता गया। पांडव तो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन कुत्ता भी उनके साथ चला गया। तो नरक की दुनिया बन गई। न वो कुत्ते जैसी आत्माएं जाती, न व्यभिचार की वृत्ति द्वापर के आदमी आरंभ होती। क्योंकि जो जास्ती व्यभिचारी बनते हैं वो ही द्वापर के आदि से इब्राहिम और उनके फॉलोअर्स के आधीन बन जाते हैं। जो पक्की सूर्यवंशी आत्माएं हैं उनमें इस्लाम धर्म की आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती। गिरती कला जब संसार में शुरू होती है द्वापर के आदि में, तो सबसे पहले कौन से धर्म की आत्माएं पतित बनती हैं? है इस्लाम धर्म की। क्यों पतित बनती है? कारण कुछ तो होगा, क्योंकि भगवान बाप जब आते हैं
बताते हैं कि आप भी विचारी बनो, पवित्र बनो, तो वो आत्माएं जो इस्लाम धर्म में 63 जन्म कर्मावट हुई थी, वो अपने को पूरा अभिविचारी नहीं बना पाते। बल कर्मेंद्रियों से अभिविचारी बन भी जाएं, लेकिन दृष्टि से विविचारी बन जाती है। जब दृष्टि से विविचारी बनती है तो वृत्ति भी विविचारी रहती। तो नई दुनिया में वो कुत्ते जैसी आत्माएं जाती तो हैं, परंतु 16 कला संपूर्ण बनकर के जाती हैं या कमजोर आत्माएं बन के जाती हैं? ऐसे भी नहीं कि वो प्रजावर्ग की आत्माएं हैं, क्योंकि प्रजावर्ग के लिए भी बोला है यथा राजा तथा प्रजा। सूर्यवंशी राजा होगा तो प्रजा भी सूर्यवंशी होगी। अव्वल नंबर का राजा होगा अल्लाह अव्वल दीन, तो प्रजा भी अव्वल नंबर की होगी। तो चाहे राजवर्ग की आत्माएं हो, चाहे प्रजावर्ग की आत्माएं हो, दोनों ही प्रकार की आत्माएं उस धर्म में कन्वर्ट होने वाली बन जाती है। क्योंकि उनमें घ्राण शक्ति ज्यादा है, सूंगा सांगी बहुत करते हैं। ये क्या करता है? हैं? वो क्या करता है? कुछ है बात जरूर, अपनी तरफ नहीं देखेंगे, दूसरों की सूंगा सांगी बहुत करेंगे। और बाबा पांडु के साथ कुत्ता क्यों गया था? इसीलिए कि कुत्ता अगर न जाता तो नई दुनिया पुरानी दुनिया ही नहीं बनती, फिर तो ड्रामा ही पूरा नहीं होता। वो ड्रामा में सुख की दुनिया भी चाहिए तो दुख की दुनिया भी चाहिए। वैष्णवी आ जाएगी तो पुरुषार्थ संपन्न हो जाएगा। तो वैष्णवी कब आवेगी? भगवान आता है तो क्या कहा जाएगा, कब आवेगा? जब अपनी आत्मा को पहचान हो जाए तभी आवेगा। तो पहचान सबको एक साथ होती है कि नंबर वार आगे पीछे होती है? ऐसे ही वैसे भी की बात है, कब आवेगी? सबको एक साथ पता चलेगा या नंबर वार पता चलेगा? नंबर वार पता चलेगा। और रही पुरुषार्थ संपन्न होने की बात, तो जो जितने कनेक्शन में आता है, जितना नजदीक होता है उतना संघ का रंग लगता है। कनेक्शन में ही नहीं आवेगा तो संघ का रंग भी नहीं लगेगा। जितना कनेक्शन में आवेगा उतना संघ का रंग लगेगा, और जितना संघ का रंग लगेगा उतना पुरुषार्थ भी संपन्न होगा। क्योंकि विष्णु देवी त्रिमूर्ति की वो तीसरी मूर्ति है,
जो संपन्न पुरुषार्थी है, 63 जन्म में भी राजयोग का जो वर्तमान लक्ष्य है पवित्र बनना, धारण करती है, और संगम युग में भी पवित्र रहती है, अपवित्र बनने वाले राजाएं लंबे समय तक ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं तो भी पवित्र नहीं बन पाते। और वैष्णवी का पार्ट कैसा है, अंत में आवेगी, एडवांस ज्ञान अंत में लेवेगी कि पहले ही लेती है, हैं? अंत में आवेगी तो भी लास्ट सो फास्ट चली जाएगी। पूर्व जन्म के पवित्रता के संस्कारों के कारण तो उसके जैसे जैसे जो जो आत्माएं नजदीक आती जाएंगी उनमें भी वही संस्कार भरेंगे। निश्चय बुद्धि आत्मा जो होगी उसकी क्या निशानी? निश्चय बुद्धि विजयते, विजय किसकी होगी? जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उसकी उतनी ही विजय होती जाएगी। इसलिए कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि एक नारायण के लिए ही दुनिया में गायन है कि वो सदा विजयी हुआ है। और आत्माओं के लिए ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि सब पुरुषार्थियों को निश्चय और अनिश्चय का चक्र चलता ही रहता है। कोई को जास्ती चलता है, कोई को कम चलता है। भगवान बाप जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं वो आत्मा कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनती है। इसलिए ये गायन है, निश्चय बुद्धि विजयते। पार्वती को नहीं, सती को। हाँ, सती बेहोश की बात की है, होश में नहीं है। होश में नहीं है कि शरीर ही छोड़ चुकी? चित्र में ऐसा दिखा रहा है जैसे बेहोश है। हाँ, वो मुर्दा दिखाया है सती का या चैतन्य रूप दिखाया है? हाँ जी, कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और कब हुई शास्त्रवादी तो दिखाते हैं कि बहेलिए ने पांव में तीर मारा और कृष्ण की मृत्यु हो गई। वास्तव में द्वापर युग में कृष्ण होता है क्या? द्वापर युग 16 कला संपूर्ण होता है या 8 कला संपूर्ण होता है? जब पूरा युग ही 8 कला युग संपूर्ण होता है
आठ कला से जास्ती होती ही नहीं है तो कृष्ण की 16 कला संपूर्ण कहां से हो जाएगी। शास्त्र में ही लिखा हुआ है सतयुग है 16 कला संपूर्ण, त्रेता है 14 कला संपूर्ण, द्वापर है 8 कला संपूर्ण और कलयुग में कलाहीनता हो जाती है। तो बाबा कृष्ण को 16 कला संपूर्ण क्यों बताया जा रहा है? ये सतयुग के कृष्ण की बात है या द्वापर युग के कृष्ण की बात है? द्वापर युग में तो कृष्ण होता ही नहीं। सोलह कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म देने वाला कौन है सतयुग में? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है वो ही 16 कला संपूर्ण कृष्ण को जन्म देता है। वो देवता है जो कलाओं में बंधा हुआ है, वो भगवान नहीं है। गीता और भागवत ने कृष्ण को भगवान बताई दिए। तो शास्त्रों में तो दिखाया है कि पांव में बहेली का तीर लगने से मृत्यु हो गई, लेकिन असली बात क्या है? असली बातें तो संगम युग की है ना, जो शास्त्रों में यादगार रूप में दिखाई गई है। ये संगम युग की बात है। बेसिक नॉलेज में चलते चलते कृष्ण की आत्मा जब द्वापर युग की शूटिंग के अंत में पहुंचती है, द्वैतवादी युग शुरू होता है ब्राह्मणों की दुनिया में। राज्य सत्ता धर्म सत्ता अलग अलग जोनल इंचार्जेस के हाथ में चली जाती है। तब कृष्ण वाली आत्मा का जो अंतिम जन्म है दादा लेख राज ब्रह्मा, उसके बुद्ध रूपी पांव में कोई पाप कमाने वाला बहेलिया है जो ऐसी बात का तीर मारता है जो उनका हार्ट फेल हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। शरीर से भी मृत्यु हो जाती है और बाप को तो उन्होंने पहले ही नहीं पहचाना था। ऐसे नहीं कि ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में बाप था ही नहीं, बाप तो प्रैक्टिकल में था लेकिन कृष्ण की आत्मा बाप को नहीं पहचान पाती। क्लास करने तो जाती हूं, महीने में एक या दो बार जाती जरूर हूं। वार्तालाप में सुनाया गया कि जिन्होंने भट्टी नहीं की है उनसे बाबा नहीं मिलेंगे, तो बांदे अली माताओं को कैसे मिलेंगे? उनको तो मिलने की परमिशन ही, भट्टी करने की परमिशन ही नहीं मिलती। मुझे आत्मा का बाबा मार्गदर्शन करे। जिन बांदेली माताओं को भट्टी करने के लिए परमिशन नहीं मिलती है
फिर भी अगर एक साल तक लगातार उनका रेगुलर क्लास करने का प्रूफ मिलता है तो एक साल के बाद उनको बाबा से मिलने की परमिशन दी जाएगी। पता तो लगे कि निश्चय बुद्धि है या नहीं है। और तो रोज मुरली सुनने का तो प्रूफ मिलना चाहिए। पता तो लगे कि डीवीडी और वीसीडी लगातार मंगा रही हैं, जिनके थ्रू मंगा रही हैं, उनसे प्रूफ तो मिलेगा कि ये मुरली सुनने की शौकीन है, मुरली से प्यार है, माना मुरलीधर से प्यार है। कोई तो प्रूफ होना चाहिए। लेट का बोर्ड तो लग चुका, टू लेट का बोर्ड कब लगेगा? जब पास विद आनर होने वाली आठ आत्माएं भी प्रत्यक्ष हो जाएंगी तो स्थापना हो जाएगी या रह जाएगी? है स्थापना हुई और विनाश शुरू हो जाएगा, फिर क्या कहेंगे? टू लेट का बोर्ड लगा या नहीं लगा? है लग गया। जब तक विनाश शुरू नहीं होता है तब तक शांति है, और शांति में पढ़ाई अच्छी हो सकती है। फिर जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो सकेगी, भगदड़ मच जाएगी। भक्ति के हिसाब से ऐसा कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के 16,108 भोग और भोगी और वो सर्व संबंधों का अनुभव होती थी, सर्व संबंधों का अनुभूति होती थी उनको सबको। तो वैसे ही अभी ज्ञान मार्ग के हिसाब से भी जो संगमी थी श्री कृष्ण है उनकी भी 16,108 भोगियां बनती है। तो भोगियां तो बहुत प्रैक्टिकल में भी संकल्प देती है और भोग तो इतना नहीं ले पाते, तो इसमें क्या मन बुद्धि की बात है क्या है? फिर गोप नाम कैसे पड़ा? तो मन बुद्धि से प्रैक्टिकल में, मन बुद्धि से। अरे गोपियां हैं, उनका पुरुषार्थ गुप्त है, संबंध गुप्त है। तो जिन गोपों ने अपनी बहनें दी हुई हैं, कन्याएं दी हुई हैं, अपनी पत्नी को समर्पित किया है, उनका गुप्त संबंध है दुनिया वालों की नजर में या प्रत्यक्ष संबंध है? गुप्त है। तन धन धाम सुहृद परिवारा, देह भी अर्पण, देह के संबंधी भी अर्पण, समय भी अर्पण, संपर्क भी अर्पण, उसको कहते हैं संपूर्ण समर्पण। कितने होंगे? संख्या कितनी है? 16,108 है। वो राज परिवार है, जरूरी नहीं है कि वो राज परिवार के 16,108 सब महाराजा बन जाएंगे या महारानी बन जाएंगे या राजा रानी बन जाएंगे, नहीं, लेकिन प्रिंस प्रिंसेस जरूर बनेंगे, कम से कम एक जन्म में जरूर बनेंगे।
कौन सी युगों में? सतयुग और त्रेता युगों में। उनकी टोटल संख्या 16108 होगी, त्रेता के अंतिम जन्म तक ये संख्या होगी। सतयुग के आदि में कम होंगे राज परिवार वाले, और सतयुग के त्रेता के अंत में कितने होंगे? 16108 होंगे। उनमें अच्छे से अच्छे पुरुषार्थी भी होंगे और हल्के से हल्के पुरुषार्थी भी होंगे। जो हल्के होंगे वो कोई न कोई जन्म में प्रिंस प्रिंसेस तो बनेंगे, लेकिन ज्यादातर दास दासी बन पड़ेंगे, या तो राज परिवार के दास दासी बन पड़ेंगे, या तो दुनिया वालों के भी दास दासी बन पड़ेंगे। ऐसा कैसे होता है कि दुनिया को दिखाने के लिए समर्पित तो हुए, बोल बोल तो किया हम ईश्वरीय सेवा में पूरे समर्पित हैं, लेकिन फिर बाप को धोखा भी दे देते हैं। कोई बड़ा धोखा देते हैं, कोई छोटा धोखा देते हैं। इसलिए फिर नीचते नीच पद चांडाल का भी पा लेते हैं, दास दासी बन पड़ते हैं। ऐसे निष्कष्ट राज परिवार वालों की संख्या ज्यादा होगी या श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की संख्या ज्यादा होगी? संख्या ज्यादा किसकी होती है? हैं? जो नीचे पुरुषार्थी होते हैं उनकी संख्या हमेशा ज्यादा होती है। इसलिए बोला कि 16000 की लिस्ट में जाने से तो अच्छा प्रजा में चले जावे, साहूकार साहूकारिणी बने, कम से कम दास दासी का लकवा तो न मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा बाप आकर के जो लक्ष्य देते हैं राजयोग सिखा करके राजा रानी बनाने का, वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण करने योग्य ही नहीं है, है या नहीं? ग्रहण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भगवान बाप आकर के देन देते हैं, वो देन स्वीकार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? स्वीकार करनी चाहिए, परंतु क्या समर्पित होने के बाद फिर डायवोर्स नहीं देना है, फारकति नहीं देना है। और ऐसा लगता होगा कि कलयुग के अंदर भी बहुत ऐसे राजा हैं जो हैं, जो अभी कलयुग के अंदर में भी सब अपने अपने स्टेटों के जो राजे हैं महाराजे भी हैं, तो इन्होंने भी इसका मतलब कुछ निष्कर्ष ऐसा उठा किया होगा जो उनको कलयुग के अंदर में ये कुछ राजे थे, तो ये भी क्या राजे शुरू से चलती आ रही है या अभी एंड में मिली है? सतयुग त्रेता में जो रिजल्ट आता है वो ही रिपीटेशन द्वापर कलयुग में भी होता है। हाँ, सतयुग त्रेता में जो प्रारब्ध भोगते हैं वो संगम युग के पुरुषार्थ की भोगते हैं, और द्वापर कलयुग में एक जन्म पुरुषार्थ करते हैं और अगले जन्मों में भोगते रहते हैं।
इसलिए लोग सुनना ही नहीं चाहते ज्ञान नहीं इसलिए कैसे बात होगी। हमारा किसी देहधारी से न चाहते हुए भी प्यार हो जाता है और लगाव लग जाती है और सोते वक्त बाबा के या बाबा को याद करते हैं तो भी वो ही देहधारी याद आने लग पड़ते हैं और पूरा ही अमृत वेला खराब हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? अगर कोई याद आता है तो क्यों याद आता है? कौन याद आता है? मुरली में तो बाबा ने बोला है कराची में तुम 300-400 अंदर बंद पड़े थे, कोई को देखते ही नहीं थे, तो दिल किससे लगावेंगे, किसको याद करेंगे? सदैव वहां तुम्हारे सामने एक बाबा, दूसरा न कोई। तो यहां भी चेक करना है कि हमारी आंखें किसको देखने में रस लेती हैं, आंखें ही नहीं और कर्मेंद्रियां भी किसके संग में ज्यादा आने की आदि हो गई है। चेकिंग हो जाए तो फिर चेंज करना है। क्या चेंज करना है? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, क्योंकि दूसरे जो भी देहधारी हैं वो सब अपने में बांधने वाले हैं, मन को भी बांध लेते हैं और तन की कर्मेंद्रियों को भी बांध लेते हैं, फिर धन भी बंध जाता है, समय भी बंध जाता है और आत्मा के जो भी संबंधी हैं जन्म जन्मांतर के वो भी बंध जाते हैं। अभी जोड़ने का टाइम है, नए नए संबंध जोड़ने का टाइम है या तोड़ने का टाइम है? तोड़ने का टाइम है। और तोड़ने के टाइम भी कोई जोड़ना शुरू कर दे और वो भी संगम युग में, जबकि हमने बाप को पहचाना है, तो 100 गुना बोझा चढ़ेगा या 1 गुना चढ़ेगा? तो 100 गुनी याद आएगी, 100 गुनी याद देहधारी की बढ़ जाएगी या घटेगी? है, और ही देहधारी की जास्ती याद आने लग पड़ेगी। और एक दूसरे को जो टच करने की आदत वाले होते हैं अथवा जानबूझ करके भी एक दूसरे को टच करते हैं, वो बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकते। मगर अनजान में अथवा भूल में टच हो जाता है तो बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं क्या या नहीं चढ़ सकते? अनजान में जो टचिंग होती है, जैसे बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं या कहीं भीड़ भाड़ में मार्केट में जा रहे हैं, तो टच होने वालों के साथ मन का संयोग होता है? मन का तो संयोग होता ही नहीं। तो कर्मेंद्रियों का संग का रंग तब ही लगता है जब मन का संयोग होता है। अगर मन साथ नहीं देता है, दिल नहीं है, तो हिसाब किताब नहीं बनेगा।